हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए पे लेटर एप्लीकेशन के बारे में, जो कि अभी अभी प्ले स्टोर पर लॉन्च हुआ है। तो आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो बिल्कुल पे लेटर एप्लीकेशन है, NBFC पे लेटर एप्लीकेशन है, और आप इसके अंदर अप्लाई करते हो आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद में आप लिमिट को यूज कर सकते हो, और वो भी आप किसी भी QR कोड पर स्कैन करके और इसकी लिमिट को पे कर सकते हो। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में और जानेंगे तो उससे पहले मैं आपसे एक बात बताने वाला हूँ कि इस एप्लीकेशन की जो सर्विस है वो सर्विस कुछ ही सिटी के अंदर अवेलेबल है। तो आपको मैं पूरी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और इनकी जो सर्विस के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी सिटी के अंदर इनकी जो सर्विस है वो अवेलेबल है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में और जानना है तो हमारे को अबाउट दिस ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी जो पूरी डिटेल, आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण पे स्कैन नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है, बिल्कुल बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है, और स्कैन QR कोड के थ्रू इनकी पेमेंट पे कर सकते हो किसी भी मर्चेंट स्टोर पर, और आपको इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी वो आपको अप्लाई करने के बाद में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि हम आपके लिमिट देने से पहले आपकी जो सिविल स्कोर का ब्यूरो भी चेक कर सकते हैं हम, तो वो चेक करेंगे। तो आप अगर आपका जो भी सिविल स्कोर लो है तो आपको यहाँ पे लिमिट मिलने में परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसके अंदर अप्लाई करते हो सकता है आपको लिमिट मिल जाए। और इस एप्लीकेशन की जो सर्विस की बात करें तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि अवेलेबल इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों के अंदर आपको इनकी सर्विस मिल जाएगी। तो आप इन राज्यों के अंदर आते हैं तो आप इसकी लिमिट को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर इजी अप्लाई का ऑप्शन शो रहा है, जो कि यहाँ पे बता रखा है कि इंस्टेंट अप्रूवल एंड एक्टिवेशन हो जाएगी, आपकी लिमिट 100% ऑनलाइन प्रोसेस होगा, और वो भी आपको 5 मिनट में प्रोसेस हो जाएगा पूरा, और कोई आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है इस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करने के लिए, और आपके पास कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। और इसके अंदर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर दे रखा है कि इंस्टॉल करना होगा आपको इस एप्लीकेशन को, और पैन कार्ड और बेसिक सी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको KYC करने के साथ साथ आपको सेल्फी और आपका आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको लिमिट देखने को मिल जाएगी। और दक्षिण पे लेटर की चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 इंटरेस्ट रेट पर आपको ये लिमिट मिल जाएगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और लिमिट आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि मेडिसिन पे एंड यूटिलिटी बिल से पे कर सकते हो, या किसी भी QR कोड पर पे कर सकते हो। और इनकी जो मर्चेंट एक्सेप्ट UPI पेमेंट है वो यहाँ पर दे रखा है कि भीम UPI के थ्रू, या फोनपे, पेटीएम, अमेजोन पे, या फिर रिचार्ज, मोबीक्विक, एक्सिस पे, या जियो, इन पर आप पेमेंट कर सकते हो और इसकी लिमिट को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, हम दक्षिण पे लेटर की लिमिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 500 से लेकर आपको 5000 रुपये तक यहाँ पर आपको लिमिट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको क्रेडिट स्कोर के बेस पर आपको ये लिमिट मिल जाएगी यहाँ पर। और इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन 14 जून 2022 को रिलीज हुआ था प्ले स्टोर पर, और 25 जून 2022 को ये एप्लीकेशन अपडेट हुआ था, और केवल 10 ही इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। आप अभी ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अप्लाई करते हो सकता है आपका लो क्रेडिट स्कोर होने पर भी आपको लिमिट मिल सकती है, अगर आप इन सिटियों के अंदर आते हो तो। तो चलिए दोस्तों, मैं इन सिटियों के अंदर तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि मेरी जो प्रोफाइल है वो कहाँ तक जाती है और लोकेशन प्रॉब्लम हमारे को बताती है। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में शिफ्ट करेंगे, करने के बाद में यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो हो रहा है गेट स्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाएगा, इसमें हम हमारा मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में नीचे ऑप्शन शो हो रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर हमारे को एक OTP आएगा, तो OTP हम यहाँ पर डालेंगे। तो हम OTP की वेट करते हैं, तो हमारे पास OTP आ गया, तो यहाँ पर OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद में नीचे ऑप्शन शो हो रहा है वेरीफाई, तो हमारी जो OTP है उस OTP को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में जो हमारा पैन कार्ड है उस पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर लगाना पड़ेगा हमारे को। तो मैं यहाँ पर मेरा जो पैन कार्ड है पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर लगा देता हूँ। पैन कार्ड नंबर लगाने के बाद में यहाँ पर नीचे ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हमारे को ईमेल लगानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर मेरी ईमेल लगा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पैन कार्ड नंबर और हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दी। एंटर करने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, तो हमारे को यहाँ पे एंट्री और आधार कार्ड नंबर, तो हमारे को यहाँ पे 16 डिजिट का हमारा आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर मेरा आधार नंबर एंटर कर देता हूँ, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी वी आर नॉट ऑफर दक्षिण पे इन योर स्टेट, तो यहाँ पे हमारी जो लोकेशन है उस लोकेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो जाएगी, सर्विस नहीं है इस एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके जो स्टेट में ये हमारी जो एप्लीकेशन की है ये सर्विस आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण आपके लिए कोई भी ऑफर हमारे पास नहीं है। तो अगर आप जो मैंने सिटी बताई थी उस राज्य के अंदर आते हो तो आप इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो और क्रेडिट लिमिट पा सकते हो।
सो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।